बिल्कुल आपको पता है जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का हाई प्रेशर गेम होता है और दोनों टीमों में प्रेशर होता है, ऑब्वियसली बात है, और हर प्लेयर अपनी टीम के लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और एज अ टीम मैनेजमेंट जिस तरह हम सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं और जिस तरह काफी 1.5-2 साल हो गए हम अपने इसी मैनेजमेंट के साथ हैं और वो जिस तरह हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, जिस तरह वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो उससे काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। जब हम मैच खेल रहे होते हैं तो हम काफी रिलैक्स फील करते हैं कि यार ठीक है, हमारी मैनेजमेंट हमें बैक करती है, हम अच्छी भी परफॉर्मेंस करते हैं। देखिए उनके भी दोनों मेन प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव और पांड्या, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और कोशिश यही करें कि उनको अर्ली उनकी विकेट ली जाए ताकि उनकी टीम स्ट्रगल करे। अगर उनके स्टार्ट में हम विकेट लेते हैं तो वो आके जिस तरह टाइम लेके फिर रन करते हैं तो उनको टाइम ना लेने दें ताकि उनकी विकेट अर्ली ली जाए, तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। देखिए जिस तरह की विकेट्स हैं और वो यही डिमांड करिए कि आपको थोड़ा बहुत आपको विकेट स्टे करना पड़ेगा और जब आप अच्छे सेट हो जाते हैं तो फिर आपको रन मिल रहे हैं, जिस तरह अभी लास्ट मैचेस में भी देखा, जिस तरह भी लास्ट मैच में रिजवान भाई ने खेले सेट हुए, उन्होंने अपनी टीम को थोड़ा लंबा लेके गए और उसमें रन हुए और एट द एंड आपको जब नया बैट्समैन आता है जिस तरह की विकेट हैं वो जारी बात है वो आगे स्ट्रगल करेगा। और बाकी जिस तरह आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो टॉप 3 बैट्समैन है उनमें से एक को थोड़ा लंबा लेके जाना पड़ेगा ताकि वो एट द एंड तक जाए। देखें ये एक टीम गेम है, एक सिर्फ एक प्लेयर पर नहीं आप वो कह सकते कि यार वो रन करेगा तो टीम जीतेगी, और जिस तरह आप सबको पता है बाबर आजम जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और उनको पता है कि यार मैंने अपना टीम के लिए कितना बेस्ट करना है, वो सिर्फ बैटिंग में नहीं है, वो आपको एज अ प्लेयर आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं और एज जितने आपके आप बस प्लेयर होते हैं आप सबको लेकर चलना पड़ता है और नॉट आउट उनकी जिस तरह उस तरह रन नहीं हुए तो उनको अच्छे तरीके से पता है कि उनको रन कैसे करने हैं और उन चला नेक्स्ट मैचेस में उनको पता होगा कि मैंने आगे क्या करना है अपनी टीम के लिए जो बेस्ट करना है वो दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह अनफॉर्चुनेटली जिस तरह शाइन इंजर्ड हुआ और उसमें थोड़ा बहुत शुरू में था कि यार नया बॉल कौन करेगा और जारी बात है जिस तरह शाइन खेलता था उसके साथ कॉन्फिडेंस था कि वो अर्ली ऑन विकेट काम को लेकर देता था, तो उससे काफी जब मैं बॉलिंग किया था तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिलता था और नो डाउट जिस तरह अभी नसीम ने बॉलिंग की जिस तरह उसने इंडिया के खिलाफ बॉलिंग की हॉन्ग के खिलाफ तो मुझे उससे काफी कॉन्फिडेंस मिला और रिलैक्स होता हूँ जब बॉलिंग के लिए आता हूँ यार ठीक है वो अर्ली ऑन आपको अच्छा बॉल से बॉल करके दे रहा है, तो जिस तरह बैटिंग की पार्टनरशिप होती है जिस तरह बॉलिंग की पार्टनरशिप होती है तो जिस तरह शाहीन में सब खेलता है और काफी टाइम से मैं शाहीन के साथ ही खेल रहा हूँ तो उससे काफी रिलैक्स होता था, बट अभी जिस तरह नसीम बॉलिंग कर रहा है और उससे काफी खुद अभी काफी रिलैक्स हो रहा हूँ कि यार देखें जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैच खेल रहा हूँ तो मेरी मोस्ट प्रोबेबली माइंड में नहीं होता कि यार विकेट लेनी है, कोशिश ये होती है कि डॉट बॉल किए जाए। आप जब भी डॉट बॉल करते हो T20 गेम है आप अपने आप बॉल जितने आप सेव कर सको उस पर ज्यादा बिलीव करते हो, जितने आप बॉल सेव करोगे विकेट आपको ऑटोमेटिकली मिली जाती है। सर्टन प्लान आपके हार्ड प्लान होते हैं डिफरेंट प्लेयर्स के खिलाफ डिफरेंट टीम्स के खिलाफ और नो डाउट जिस प्लेयर्स हैं अपने कोशिश ये करते हो अपनी स्ट्रेंथ पे रहो बेसिकली, क्योंकि डेथ बॉलिंग होती है आपको एक टारगेट बॉलिंग जिस तरह आप करते हो जो आपको एक माइंड में होता है कि यार जो आपकी जिस तरह यॉर्कर्स हैं या स्लो वन हैं वो आप उस पर ऑब्वियसली जाते ही जाते हो, एट दी एंड जब आपकी विकेट जिस तरह बिहेव करती है बहुत लोगों चांस आपको उस पर भी जाना पड़ता है। हाँ देखें जिस तरह के अभी मैचेस हुए हैं जिस तरह आपको स्विंग मिल रहा है एज अ फास्ट बॉलर अर्ली ऑन आपको जिस तरह आप आते हो उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप विकेट ले सकते हो और जिस तरह की यूजुअल विकेट्स हैं पर बिल्कुल आप ठीक कह रही है उस तरह के विकेट नहीं मिल रहे, स्पिनिंग में भी उस तरह हेल्पफुल नहीं है और फास्ट बॉलर का हेल्प कर रहा है कि जिस तरह की बॉल विकेट आपको मिल रहा है और उस तरह बॉल आपका स्किड हो रहा है स्पिन की विकेट आपको स्विंग भी मिल रहा है, तो देखिए नेक्स्ट मैच में कैसे पिचेस बनती हैं और आपको जब आप जाते हो ग्राउंड में आप पिच को देखते हो तब आपको पता चलता है कि पिच या जब स्टार्ट करते हो मैच तो आप फिर देखते हो कि यार पिच कैसा बिहेव कर रहा है तो फिर आप उस जिस तरह वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं अपनी टीम के लिए जिस तरह भी लास्ट जितने भी मैचेस खेलते हैं जितनी भी सीरीज खेले हैं एशिया कप से पहले और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है और सही बात है एक अच्छे प्लेयर के खिलाफ आप अपने अच्छे अपनी जो स्ट्रेंथ होती है अपनी कोशिश करते हो कि अपनी स्ट्रेंथ से बॉलिंग की जाए, नो डाउट जिस तरह अगर वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं बट आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है कि यार आपने किस तरह टीम को अपनी अपना बेस्ट देना है और कोशिश करेंगे कि जितने भी उनके बैट्समैन हैं और कोशिश यही करेंगे कि जो अपना जो उनका वीक जोन है कोशिश करेंगे उनमें उनको वहां पे बॉल की जाए और उनको ताकि जितना डॉट बॉल्स करेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है कि जब वो डॉट बॉल होंगे जब रन नहीं मिलेंगे तो वो देखिए गेम है और गेम को गेम की तरह लेते हैं और
बाकी जिस तरह विराट भाई जिस तरह के हैं प्लेयर और सबको पता है विराट भाई जिस तरह उन्होंने अपनी कंट्री के लिए और जिस इंटरनेशनल उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है लेजेंड है और उनसे काफी कुछ जिस तरह बंदा बात करता है उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसा कि आप अपने सीनियर प्लेयर से बात करते हो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शो करते हैं तो उससे काफी कुछ आप लर्न करते हो। बाकी बात रही शर्ट की और जिस तरह उन्होंने शर्ट दी उनका थैंक्स और जैसा मैंने उनसे काफी टाइम से कहा भी था शर्ट का तो जैसा भी मैच हुआ उन्होंने मैच के बाद जो शर्ट दी काफी अच्छा लगा उनके साथ। हाँ बिल्कुल जिस तरह का वो जो सिचुएशन थी मैच की और जिस तरह का एक कोशिश यही थी कि जिस तरह खुद को भी क्रैम पड़ रहे थे बॉडी के अंदर और कोशिश कर रहे थे कि अपनी बेस्ट बॉल डिलीवर कर सकें बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह बॉल जिस तरह डिलीवर नहीं हुए और जो नेक्स्ट मैचेस है जिस तरह भी कल का मैच है इंडिया का कोशिश करूंगा जो अपना जो कमी रह गई थी और उसको 100% दूं। नहीं देखें जिस तरह अभी लास्ट हमारा टूर था नेदरलैंड का और वहाँ का जो वेदर वहाँ की कंडीशन वो डिफरेंट थी और स्ट्रेट अवे हम जिस तरह अभी दुबई की कंडीशन में आए हैं तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और जिस तरह पहले मैच में जिस तरह क्रैम आए हैं और जिस तरह उसके बाद मेडिकल जो हमारी टीम है और वो काफ़ी कुछ हमारे साथ हेल्प कर रही है और जिस तरह अभी लास्ट मैच हमने खेला तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल थी जो चीज़ों ने हमारे की हुई थी और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट मैच में अपने आप को फिट रखेंगे। और देखें नो डाउट जिस तरह हमने क्रिकेट खेली फर्स्ट मैच में अगेंस्ट इंडिया तो कोशिश यही है कि जो अपनी बेस्ट है एफर्ट्स करें ग्राउंड के अंदर और जिस तरह भी लास्ट मैच खेला हमने हांगकॉन्ग के खिलाफ एक मोमेंटम अच्छा है और इसको कैरी ऑन करेंगे जो सुपर ओवर मैचेस है बकाया तो उन्हें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे।